मेन लाइन जो होता है ना, मेंस लाइन, उसमें प्रायः दो तार होते हैं, उसमें मेंस लाइन के तार होते हैं दो तार। तो एक तार द्वारा जो होता है आपका 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसे बोलते हैं घरेलू लाइन, डोमेस्टिक लाइन, है ना। और एक जो तार होता है जिसे 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, उसे बोलते हैं, है ना, आपको पावर सप्लाई लाइन या पावर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर लाइन। तो ध्यान से समझिएगा, मेंस लाइन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। दो प्रकार की होती है तो कौन कौन? एक नंबर में घरेलू लाइन, जो हमारे घरों में बिजली आता है, घरेलू लाइन, है ना, डोमेस्टिक लाइन। दो नंबर में, है ना, पावर लाइन, है ना। दो नंबर में क्या बोलते हैं? पावर लाइन। पावर लाइन, समझ में आया? अब चलिएगा, है ना, एक नंबर में लिखिएगा घरेलू लाइन, घरेलू, है ना, घरेलू लाइन, ठीक है। यहां से घरेलू लाइन नोट कीजिएगा, देखिएगा, है ना। तो मैंने बताया भी था कि 5 एम्पीयर की धारा को क्या बोलते हैं? घरेलू लाइन बोलते हैं, है ना। और 5 एम्पीयर से चलने वाले उपकरण जो हमारे घरों में होते हैं, बल्ब होते हैं, टीवी होते हैं, पंखा होते हैं, ट्यूब होता है, ये सब 5 एम्पीयर की धारा से चलने वाले, ठीक है। आपके मोटर भी आ जाएंगे, जो भी पानी में लगता है ना, मोटर भी आ जाएंगे, है ना। अब हम चलते हैं, है ना, पावर लाइन। तो पावर लाइन देखिएगा, दो नंबर में पावर लाइन, क्या? पावर लाइन। तो 15 एम्पीयर की धारा को क्या बोलते हैं? हाँ, जिस तार से 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, चाहे 15 एम्पीयर की धारा को हम लोग 15 एम्पीयर की धारा को क्या कहते हैं? धारा को पावर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर लाइन कहते हैं। अब पावर लाइन जो होता है 15 एम्पीयर से, मतलब कौन से विद्युत उपकरण, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, है ना, याद रखिए, कौन कौन विद्युत उपकरण है जिन्हें 15 एम्पीयर की धारा की आवश्यकता होती है? कौन कौन विद्युत उपकरण हैं, कौन विद्युत, है ना, यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन होगा, कौन कौन विद्युत उपकरण हैं जिसे चलाने के लिए 15 एम्पीयर की धारा का आवश्यकता होता है। आवश्यकता होता है। तो यहां पर रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी, है ना,
एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर हो गया। ये जो उपकरण है इन्हें चलाने के लिए कितनी 15 एम्पीयर की धारा की आवश्यकता होती है। हीटर हो जाएगा हीटर इत्यादि, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज एसी बोले तो है ना, एयर कंडीशन कंडीशनर है ना, और हीटर, इन सभी को चलाने के लिए हमें 15 एम्पीयर की धारा की आवश्यकता होती है। देखिएगा हमारे जो घरों में बिजली है ना आता है, विद्युत आता है, वे आपके जो होते हैं 220 वोल्ट और एसी धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है ना। जब वह याद रखेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि एसी जो करंट होती है यह ऐसे गमन करती है, बिल्कुल इनके बीच जो होता है ना, इनके बीच फ्रीक्वेंसी कितना होता है, और फ्रीक्वेंसी होने के कारण क्या है, क्योंकि ये है ना ऊपर नीचे करके ये धाराएं चलती है, जिसके कारण जो फ्रीक्वेंसी होता है। और हमारे घरों में जो उपयोग किया जाता है 220 वोल्ट एसी करंट है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी कितना उत्पन्न होता है 50 हर्ट्ज है ना। देखिएगा ये घरेलू मेंस लाइन किसे कहते हैं, बात को समझिएगा, घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा को मेंस लाइन पावर कहा जाता है। यहाँ पर 220 और यहाँ पर कोस्ट में एसी लिख लीजिएगा है ना, क्योंकि हमारे घरों में प्रत्यावर्तित धारा पहुंचती है। और एक मेंस लाइन जो होता है मेन लाइन, सुने भी होंगे, जो तार द्वारा है ना, जो तार द्वारा ये धाराएं आपूर्ति की जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, मेंस लाइन कहते हैं। जिस तार द्वारा है ना मेंस लाइन पावर को सप्लाई किया जाता है उसे मेन लाइन कहते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस लाइन, तो इसका क्या होगा, जिस तार द्वारा है ना मेंस लाइन पावर को सप्लाई किया जाता है या आपूर्ति की जाती है, सप्लाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेंस लाइन कहते हैं, मेंस लाइन कहते हैं, बिल्कुल याद हो गया होगा, मेंस लाइन कहते हैं। यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए है ना। चलिएगा घरेलू वायरिंग कैसे की जाती है, तो पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे घर में उपकरण जुड़े हुए रहते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए रहते हैं है ना, कैसे जुड़े रहते हैं, हाँ वो हमेशा समांतर पैरेलल में जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि एसी जो करंट होता है, एसी करंट में जो भी विद्युत उपकरण जुड़े रहते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। उसका एक हैसियत है कि जैसे हमने एक स्विच को बंद किया तो जिस उपकरण को बंद करना चाहते हो वही बंद होता है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए हम बताना चाहते हैं कि घरेलू वायरिंग, ये पावर हाउस जिसको बोलते हैं, जहां से आपका सप्लाई मिलता है ना, ये वायर है। तो पावर हाउस से क्या होता है, पावर स्टेशन से है ना बिजली आता है कहां, ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है। यहां से तो भेज दिया आपके पास 220 वोल्ट, लेकिन क्या आपको एक्चुअली अगर ट्रांसफार्मर हटा दिया तो 220 वोल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर जो होता है एसी वोल्टता को घटाता और बढ़ाता है, इसका एक मुख्य यही काम है।
इसमें तीन वायर लगे रहते हैं, इसे तीन वायर निकाला जाता है, आप देखे होंगे तीन फेज होता है, जिसमें मतलब है ना बिजली होती है प्रवाहित, लिखा भी गया है विद्युतमय तार, तो किस कलर का होता है? रेड कलर का। अब बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो क्या होता है पावर हाउस से आता है ना, तो उसमें आपका जो उसके ऊपर कवर नहीं लगा रहता, कुछ पे कवर लगा रहता, कुछ पे कवर नहीं लगा रहता, लेकिन जो हमारे घरों में यूज होता है तार, उसमें आप देखे होंगे कि एक जो लाल कलर का होता है, तो लाल कलर का जो होता है ना उसको हम लाइव वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइव वायर, लाइव वायर बोलते हैं। वे तार से है ना एक वो क्या होता है, इसको मेन भी बोला जाता है, इसको मेन बोला जाता है। उसके बाद जो काले रंग का होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं ना। और एक हरे कलर का होता है जो वायर घरों में वायरिंग की जाती है, तो वो होता है हरा कलर का होता है। किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है ना। और वे तार जो होते हैं भू संपर्कित होते हैं, मतलब अर्थिंग वायर जिसको बोलते हैं, अर्थ वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ वायर बोलते हैं। यहाँ तक। अब यहाँ से जो हमारे घरों में आता है ना, तो ये तो आप जान गए। अब ये देखे होंगे कि इन सब पर कवर नहीं रहता है, जो ट्रांसफार्मर से आपके घरों में आता है बिजली उसमें कवर नहीं रहता है, लेकिन कवर नहीं रहता है फिर भी उनमें जो होता है ऐसे तीन अलग अलग तार दिया जाता है, और उसमें है ना सबसे फर्स्ट जो वायर होता है लाइव जो वायर होता है उसी को लाल कलर का होता है, मतलब जो हमारे घरों में यूज होता है, क्योंकि उसपे क्या होता है विद्युतरोधी पदार्थ का एक कवर लगाया जाता है जो प्लास्टिक का बना होता है, समझ में आया? इसको बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी का क्या होता है? कवर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या होगा? अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा सबके बारे में है ना डिटेल्स, यहाँ तक नोट कर ले आराम से, फिगर को बना ले। देखिएगा, आपको बताना चाहेंगे कि लाल जो वायर होता है वह क्या होता है? विद्युतमय है ना, विद्युतमय वायर को हम क्या कहते हैं? लाल तार कहते हैं, लाइव वायर भी कहते हैं। यह 220 वोल्ट एसी करंट तथा 50 हर्ट्ज की धारा को प्रवाहित करता है। इसके ऊपर जो होता है ना लाल कलर का एक विद्युतरोधी पदार्थ का कवर लगा रहता है, वो प्लास्टिक हो या पीवीसी हो है ना, जो अब होता है काला तार जिसको न्यूट्रल बोला जाता है। न्यूट्रल एक फेज होता है, न्यूट्रल होता है ना, उदासीन इसको फेज बोला जाता है, समझिएगा ध्यान से। उदासीन तार को हम लोग ब्लैक वायर या काला तार कहते हैं। इसका भी भाव शून्य होता है। क्या होता है? इसका भी भाव शून्य होता है, क्योंकि उदासीन होता है। और यह क्या करता है? जो धारा होती है ना हमारे घरों में आती है, उस धारा को फिर क्या करता है? रिटर्न पावर हाउस में ले जाता है। ठीक है, एक होता है भू तार जिसको अर्थ वायर बोला जाता है, तो भू संपर्कित वायर को क्या बोलेंगे है ना, भू संपर्क जो भूमि के संपर्क में तार रहेगा उसे क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे है ना, हाँ अर्थ वायर बोलेंगे। ये जो होता है हरे कलर के है ना, हरे कलर का प्लास्टिक हो या पीवीसी से, हरे कलर के पीवीसी से ये ढका रहता है। इसका कलर कैसा होगा? भू वायर अर्थ वायर का हरा। चलिए, यहां तक तो नोट कर लिए होंगे है ना। अर्थ जो वायर होता है ना, वो भूमि के अंदर किसी धातु के प्लेट से उसको जोड़ा जाता है। ऐसे नहीं केवल तार को डाल देंगे, उसके अंदर क्या, पहले हम लोग गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर कोई धातु का प्लेट को रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, हरे वायर जो होता है अर्थ वायर को है ना बांध देते हैं उसको। तो अर्थ वायर में ही लिख दीजिएगा थोड़ा सा, अर्थ वायर को जमीन के अंदर धातु की प्लेट से जो
जोड़ा जाता है, है ना, जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।